पितृपक्ष हमारे पूर्वजों को समर्पित है और हम पूर्वज और माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमारे शहरों में संचालित वृद्धाश्रमों में इसकी तस्वीरें देखी जा सकती है, जहां पितृपक्ष के दिनों में अपने माता पिता का ख्याल रखने वाले खूब आते हैं, लेकिन पितृपक्ष खत्म होते ही फिर शुरू हो जाती है बुजुर्ग माता पिता की बेबसी की कहानी। आपको बता दें कि भोपाल के एक वृद्धाश्रम की एक ऐसी ही रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए लोग पितृपक्ष में श्राद्ध कर अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेते हैं, लेकिन जीते जी उनका ख्याल नहीं रखना चाहते हैं, इसीलिए अब अपना घर बुजुर्गों का आशियाना है और यही उनका सहारा भी है, और इसीलिए बुजुर्गों ने एक दूसरे के साथ सुख दुख में जीना भी सीख लिया है, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि उनके जो अपने परिवारजन हैं, बेटे हैं, बेटियाँ हैं, उनसे मिलने आएंगी, और इसीलिए वो पितृपक्ष में खुद अपना तर्पण भी करते हैं। अभी ये श्राद्ध पक्ष में उन जीते जी माँ बाप को एक गिलास पानी देने के लिए तैयार नहीं है कोई, और मरने के बाद वो हमारे पिताजी हलवा खाते थे, पूड़ी खाते थे, ये खाते थे, वो करते थे, ऐसे रहते थे। खुद गर्जी की इससे बड़ी तस्वीर और क्या होगी जो श्राद्ध पक्ष में हर साल भोपाल के इस वृद्धाश्रम में नजर आती है। पितृपक्ष के 15 दिन इस वृद्धाश्रम में लोगों का मेला लगा रहता है, क्योंकि सबको डर है कि कहीं पितृदोष ना लग जाए। जब माता पिता जिंदा थे तब तो पूछा नहीं और उन्हें इस वृद्धाश्रम में अकेले छोड़ गए, लेकिन ये माँ बाप तो माँ बाप होते हैं और उनके मुंह से तो बच्चों के लिए आज भी दुआएं ही निकलती हैं। अब मेरे को ले जाएगा एक दो दिन में, हमेशा के लिए? हाँ, या फिर छोड़ देंगे। अच्छा, छोड़ देंगे मतलब ये है तो अपना कर, उम्मीद सब करेगा बेटा, सब करेगा, लड़का अच्छा है। और इस वृद्धाश्रम में रहने वाले ज्यादातर बुजुर्गों की आंखों के आंसू सूख चुके हैं, इनमें से ज्यादातर ने मान लिया है कि अब कोई नहीं आएगा और इनके दुनिया छोड़ने के बाद भी शायद ही कोई अपना ना लौटे, लिहाजा इन्होंने अपना तर्पण भी खुद ही कर लिया है। रोते हैं तो आंसू भी नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? अब पानी नहीं, लड़का था तो छोड़ के भाग गया, ये सोचा था बुढ़ापे का सहारा है, वो बुढ़ापे का सहारा क्या, छोड़ छाड़ के भाग गया। तर्पण कौन करता है? वो करता बड़ा लड़का। आपको बुलाते हैं? नहीं, इतने दूर से कहाँ जाएंगे, बुलाते भी नहीं है, फोन भी नहीं करते कि आ जाओ। आपको लगता है कि आपके जब आप नहीं रहेंगी तो आपको उम्मीद है कि आपके बच्चे, आपका सब कुछ, सारे अंतिम संस्कार और ये सब नहीं लगता? यहाँ पढ़िए बस, मेरी याद भी नहीं करती जाता। यहाँ पे हो गए 5-6 साल हो गए बेटा। अच्छा, तो आपके बच्चे आते हैं कभी आपसे? हाँ, आता है ना, अभी तो मेरा पास ही था बड़ा वाला, अभी गया वो। लेकिन वो तो कह रही आंटी कि यहाँ पर आपके बच्चे नहीं आते। नहीं नहीं, एक बच्चा मेरे पास ही था ना, अभी गया वो। तो मैंने बोला नौकरी पानी कुछ कर बेटा, अपना पेट भर। हाँ, बेटा करता है ना, बहू बेटा बुलाते हैं। मैंने बोला मेरे से नहीं होता भैया, मेरे पैर में तकलीफ है, मैं यहाँ से हाथ जोड़ लेती हूँ, तो प्रसाद भेज देती है डब्बे में। आप करती हो यहाँ पर खुद अपने पति का क्या श्राद्ध? नहीं बेटा, मैं नहीं करती, मैं ऐसे ही करके किसी को दान पुण्य कर देती हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, करते करते वो आपका करेंगे? हाँ करेंगे, हाँ हाँ करेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा बहू बेटा को। नहीं किया तो उनका वो जाने भैया, आपने को क्या करना है, मरने के बाद आपने क्या मालूम क्या होता है क्या नहीं, है कि नहीं? वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की दर्द की अपनी अपनी कहानियां हैं, लेकिन माँ की ममता ही तो ऐसी है कि वो अपने बच्चों को अभी भी आशीर्वाद ही दे रही है, और हाँ, उम्मीद भी माँ बाप के मन में इसी बात को लेकर है कि उनके बच्चे आएंगे और उनको यहाँ से अपने साथ हमेशा के लिए लेकर भी जाएंगे। वृद्धाश्रम के हर चेहरे की झुर्रियों के बीच में एक दुख भरी कहानी झांकती नजर आती है। किसी का बेटा सब कुछ भूलकर विदेश में जा बसा, तो किसी की बहू ने घर आते ही बाहर निकाल दिया। बच्चे तो बच्चे, रिश्तेदार भी सब पैसा खत्म होते ही छोड़कर चले गए। अपने पास में जब पैसे रहते हैं ना, तो दुनिया अपने पर झूमती है, जब पैसे नहीं रहते तो कोई नहीं आता। जब मैं धंधा करता था 40 सोने का जेवर बनाने का, कुंटलों से काम करता था, 5-5, 10-10 कुंटल चांदी को काम करा मैंने एक सेट का। जब मैंने यहाँ एक न एक इंसान हर कोई ना कोई बने रहता था,
फूफा जी तो नाना जी ने काका जी ने भाता जी ने सब ऐसे करके कर राल ठेठ से दो दो चार चार आठ आठ दिन। और अब इस वक्त जब पैसे नहीं रहे कंगाल क्यों हो गया कि पत्नी का पेट टूटने से मैं गड्ढे में गिर गया समझ लो। 5 लाख रुपए लगा जी पर उसका पैर मैंने निकटवाया। फिर उसके मरने के बाद में सब धंधा छोड़ दिया मैंने तो सब लोगों ने भी आना जाना छोड़ दिया। अब क्या करें मुसीबत है ये। नहीं तो एक दिन बादशाह की तरह तो आज फकीर की तरह कोई भी होते तो तर्पण करते पर अब कोई भी नहीं तो कौन करेगा। अब कोई नहीं पूछते जी। हाँ अपना खुद का मैंने मेरा खुद का भी कर लेता हूँ पिंडदान और दूसरों का भी कर देता हूँ बिठा के हमारे हमारा है मिलने वालों का। तो मुझे लगता है जितनी उनकी ज़िंदगी जितनी हमने उनके साथ गुजारी है तो हमें उस पलों को जीना चाहिए। और मरने के बाद उनको क्या देख रहे हैं उन्हें क्या पता तुम क्या कर रहे हो। पर मेरे यहाँ इतने माँ बाप 25 माता पिता मेरे साथ हैं और मुझे बड़ा लंबा समय हो गया इस काम को करते करते कोई नहीं आता। एक बार आते हैं और कई कई तो ऐसे बोल के गए तो कई साल हो गए वो पलट के नहीं आए। वृद्धाश्रम में ऐसी ना जाने कितनी कहानियां हैं जो बरबसी आपकी आंखों में पानी ला देंगी। लेकिन वो कहते हैं कि माँ का दिल ऐसा होता है कि जब भी अपने बच्चों के लिए बोलता है तो हमेशा उसके दिल से अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआएं ही निकलती हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें इस वृद्धाश्रम में देखने को मिल रही हैं जहां एक माँ की आंखों में आंसू तो हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआएं ही हैं। कहते हैं जीवन अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। तमाम दुश्वारियों के बीच इस वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने भी जीने का तरीका खोज निकाला और ये आज एक दूसरे का सहारा बन चुके हैं। खुदगर्जी और तिरस्कार की ढेर सारी कहानियों के बीच से कहीं कहीं उम्मीदों के सुर भी सुनाई देते हैं जो कहते हैं शायद एक दिन को बेटा लौटेगा और कहेगा मुझसे गलती हुई, चलो पिताजी चलो अम्मा अपने घर चलते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई वृद्धावस्था है और फिर भी आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस सच्चाई से अनजान अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर जा रही है और शायद ये जाने बिना कि कल के दिन उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आज अपना घर ही इन वृद्धों का सहारा बन गया है और उनके मन में उनके दिल में पुरानी याद इस तरीके से घर कर गई है कि उम्मीद यही है कि उनके बच्चे एक दिन आएंगे और उनको लेके ज़रूर जाएंगे। लेकिन शायद ये उम्मीद उम्मीद ही है। कैमरा पर्सन रणवीर बघेल के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।